हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको कुछ नया अपडेट करने की, जो भी जॉब्स आती हैं उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस देने की। और सबसे मेन चीज़, मैं जो भी जॉब्स आपको बताता हूँ, इन जॉब्स के लिए मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। मेरी समाज को लेकर के एक हेल्प रहती है ताकि मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ नया कर पाऊँ। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे भाई बहन दोस्त इस देश में कुछ ऐसा चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। जॉब कौन सी करना चाहते हैं पर कौन सी किए जा रहे हैं, ये सब होता है गलत कंसल्टेंट्स के चक्कर में। हम लोग इतना इतना पैसा कंसल्टेंट्स को दे करके आते हैं, इतना इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देते हैं एडवांस में, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया हम दे करके आते हैं, उसके बावजूद हमारा कुछ नहीं बनता है। और हम जब कंसल्टेंट्स के चक्कर मार मार के थक जाते हैं, तो वो आपको कहता है कि भैया टेलीकॉलर की जॉब पड़ी है, कि भैया रिसेप्शनिस्ट की जॉब पड़ी है, या फिर मार्केटिंग की जॉब पड़ी है, जा करके कर लो। और आप उस पैसे को पूरा करने के लिए वो जॉब को कर लेते हैं। देखिए, बनना क्या चाह रहे थे, बना क्या दिए गए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको कुछ नया अपडेट करूं। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं बहुत सारी जॉब्स विद ईमेल आईडीज भी डालता रहता हूं, जिसमें आपको प्रॉपर एक जानकारी मिलती रहती है। और आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हमें जो वैकेंसीज चाहिए, जो कैंडिडेट्स चाहिए, वो चाहिए देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी में हमें कुछ कैंडिडेट्स चाहिए। सबसे पहले हमें एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इंग्लिश का। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होनी चाहिए। कम से कम 5 साल का एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी का कोई इशू नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू बजट जो है अच्छी सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। और ऐसे ही सेम एक कॉलेज में हमें एक लेक्चरार चाहिए। लेक्चरार जो चाहिए वो हरिद्वार में चाहिए। और यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, कम से कम 2 से 3 साल का मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एज पर आपकी नॉर्म्स होने चाहिए। उसके बाद एक कंपनी में, रुड़की में बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, एक कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। रेलेवेंट आपको एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए, कम से कम आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों डिस्कस किए जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर। उसके बाद सेम रुड़की में ही हमें एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी हो। आपको ऑफिस प्रोडक्टिविटी अच्छे से आती होनी चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, 6 महीने का कंप्यूटर पर काम करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स जो है वो 9 से 6 की रहेंगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको 10 से 15 हज़ार के आसपास पर मंथ मिल जाएगी। उसके बाद हमें हल्द्वानी में एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी हो। और आपको कम से कम 1 साल का एज अ कंपनी सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, एकोमोडेशन विद फूड, रहना खाना पीना सब कंपनी का ही होगा। और इसके अलावा हमें एक लैब में लैब टेक्नीशियन चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन एज अ लैब टेक्नीशियन की होनी चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी जो हैं वो मौके पर डिस्कस की जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज, उम्मीद करता हूँ आपके मतलब की होंगी, उम्मीद करता हूँ आपके मतलब की वैकेंसीज हैं। और आप इन वैकेंसीज के लिए कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ बता पाऊँ।
आप इस वीडियो को प्लीज आगे भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से हमारे किसी भाई बहन दोस्त की जिंदगी बन जाए, हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए, हो सकता है आपके शेयर से हम किसी का कुछ भला कर पाएं। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।